फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा नहीं बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ और बंगाली हूँ। तो इसके लिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पलीफायर आईसी HTK के ऊपर है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा रहता है, क्या होता है, सोनी में या सैमसंग बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड म्यूजिक सिस्टम है जिसमें एम्पलीफायर में HTK का यूज़ होता है। तो क्या होता है उसमें, जब भी HTK ख़राब रहता है, हम लोग लोकल कोई मार्केट से शॉप से हम लोग परचेस करके लगा तो देते हैं, लेकिन वो टेस्टिंग में ही ख़राब हो जाता है। और जब भी आप लोग वॉल्यूम फुल करते हैं तो क्या होता है, वो फिर से ख़राब हो जाता है, सेम प्रॉब्लम आ जाता है। तो आप लोग ये लोकल मार्केट से जो लेते हैं, दो टाइप के HTK मिलता है, एक ओरिजिनल मिलता है और एक डुप्लीकेट मिलता है। तो ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल आप लोग कैसे पहचानेंगे, आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो डाल सकूँ। और एक्चुअली क्या होता है, मेरा टाइम बहुत, मतलब बहुत प्रेशर रहता है काम का, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाता हूँ। तो थोड़ा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को थोड़ा आगे लेके जाइए आप लोग, तो मैं भी कोशिश करूँगा इसके पीछे थोड़ा टाइम दूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको आप लोग पहचानेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये HTK 40200S है। तो आप लोग इसमें पहचानेंगे कौन सा डुप्लीकेट या कौन सा ओरिजिनल है, कैसे पहचानेंगे। तो पहला चीज़ जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ये इसका जो पिन है, ये पिन, ये जो है ये छोटा है और ये जो है ये बड़ा है। आप लोगों को पहले ये बता दूं मैं, ये एक्चुअली डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट है और ये जो है ओरिजिनल है, ये आपको ओरिजिनल है। तो ये पिन देख सकते हैं, ये बहुत छोटा है और ये बहुत लंबा आता है। और दूसरी जो बात है, ये आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक है, इसका भी कलर ब्लैक है, इसका भी ब्लैक है, लेकिन ये थोड़ा डीप कलर है और ये थोड़ा हल्का है। तीसरी जो बात है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है फोर्क को फॉलो कीजिए, ये अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ये जो प्रिंट रहता है ये बहुत फर्क रहता है दोनों में, तो ये देख सकते हैं। और इसके आगे एस नहीं है, इसका एस रहता है, ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल में एस नहीं रहता, इसमें भी एस रहता है। और चौथी जो बात है वो आप लोग पीछे की ओर कीजिएगा तभी आपको मालूम पड़ जाएगा, सबसे ज़रूरी बात। तो ये आप देख सकते हैं, ये गोल्ड है, ये गोल्ड प्लेट का है और ये वाइट प्लेट का है, सिल्वर प्लेट का है। और ये प्रिंट आपको ब्लैक का मिलेगा, ये प्रिंट आपको ऐसे ब्लू कलर का मिलेगा। तो इसमें सबसे, इसमें से ही आप लोग पहचान सकते हैं कौन सा डुप्लीकेट है या कौन सा ओरिजिनल है। आप कोई भी केमिकल से तो इसको अगर साफ करेंगे तो ये डुप्लीकेट में जो है आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये पूरा साफ हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा साफ हो गया, उड़ गया। लेकिन ये जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल में आप देख सकते हैं ये साफ नहीं होता है, ये देख सकते हैं आप, ये नहीं उठेगा। लेकिन जो डुप्लीकेट रहता है वो पूरा साफ हो गया। तो इससे पहचान सकेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, ये देख सकते हैं दोनों, ये दोनों, ये आपको डुप्लीकेट में जो है प्रिंट था वो हट गया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल का जो प्रिंट है वो वैसे के वैसे ही है, अब देख सकते हैं। तो मार्केट से आप लोग जब भी HTK परचेस करते हैं तो देख के लीजिए, क्योंकि पैसा हमारा ही जाता है। ये देख सकते हैं, मैंने भी एक मार्केट से परचेस किया था, ये भी डुप्लीकेट है, मेरा कोई काम का नहीं है। तो ऐसे आप लोग देख के लीजिए ताकि आप लोग को पैसा नुकसान ना हो। Yeah!